अगले 30 साल में लुप्त हो जाएगा इंडिया नाम, हर जगह होगा सिर्फ भारत का बोलबाला। देश के बच्चों को पढ़ा जाएगा भारत, हिंदू योद्धाओं की वीर गाथाएं बनेंगी किताब का हिस्सा। एनसीईआरटी की माने तो देश के बच्चे जानेंगे असली हिंदुस्तान, रंग लाएगी पीएम की मुहिम। देश में इंडिया बनाम भारत की एक लंबी बहस चल रही है। पीएम मोदी ने G20 में भी इंडिया की जगह देश का नाम भारत लिखा, फिर संसद के विशेष सत्र के दौरान इसका खूब जिक्र हुआ। कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कई को तो ना चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ा, लेकिन एनसीईआरटी ने सुझाव दिया है कि देश के बच्चों को इंडिया नहीं भारत पढ़ाया जाए। दरअसल एनसीईआरटी की समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया अब सारी किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम छपवाया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ भारत पढ़ें। समिति ने कहा असल में इंडिया शब्द का आम तौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था। वही भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। भारत नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर तब सामने आया जब सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित G20 आमंत्रणों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा। बाद में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेम प्लेट्स पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एशियंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की। इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एशियंट का मतलब प्राचीन होता है, वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता थी ही नहीं। सौर मंडल पर आर्यभट्ट के काम समेत ऐसे कई उदाहरण भी हैं। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत भी इसी नए बदलाव का हिस्सा है। ये समिति उन 25 समितियों में से एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर NCERT के साथ काम कर रही है। फिलहाल नई पाठ्य पुस्तकें अभी आना बाकी हैं। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि किताबों में हिंदू योद्धाओं की जीत के बारे में भी पढ़ाया जाए। समिति ने कहा कि किताबों में हमारी असफलताएं शामिल की गई हैं, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत के बारे में नहीं बताया गया। उदाहरण के लिए किताबों में बताया गया कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ाता कि भारत से जाने से पहले ही कोकारी जनजाति ने उसे मार दिया था। NCERT की ये सिफारिश अगर मान ली जाती तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन इंडिया नाम भूल जाएगी और हमारे आने वाले बच्चे भारत ही बोलेंगे। पीएम मोदी तो अब हर जगह भारत का नाम ही इस्तेमाल करते हैं। संघ ने तो काफी पहले से ही इंडिया नाम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन विपक्ष इस पर गुस्सा होता। विपक्षियों का कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हालांकि संविधान में तो दोनों ही नामों का इस्तेमाल किया गया है।